हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मुँ आपणक प्रस्तुत करी कदळी भंडार रेसीपी। तो देखो, मुझे गोटे भंडा को नहीं भाव में तार पाखुड़ा तक बाहर करापर आम फूल को अलग करापर फूल को आम यहीपर भाव में तार गोटे माने थिबो गोटे डांग परिका यहपरिक ह्वैट्र आपको बाहर करने गोटे पाखुड़ा टाइप्र बाहर आप अलग करेंगे से आम नेसेसरी नुह। तो यहीपर भाव में फूल को मु गोटे गोटे करापर आम सब फूल को चप कर नवा आ चप करवा मात्रे ही आम पानी रे पकाई दबा जहाद्वे कि आम भंडाटा कसा लगे। कदळी भंडा रेसीपी बहुत हेल्दी होता है, खायापी बहुत टेस्टी, आप निश्चय तैयारी करेंगे। देखते मुझे पानी में बतरे भल भाव धोई नौ प्रेसर कुकर में सीटी देदेव किसी हलदी आउ लुण देकी। देखते मुझे बाहर कर किसी बुट डाली कटाही किसी टमाटो पिंजर पेस्ट हलदी गुंड लंकार पेस्ट धनिया पेस्ट डालचीनी जीरार पेस्ट रसुणर पेस्ट अदार पेस्ट आ तेजपत्र सुखिला लंका गोटे जीरा किसी कटा होलु किसी कटा होज। फ्रेंड्स, जहाँ भी मसला मुझे यूज कर शिवर बटाई शिव बटा मसलार टेस्ट बहुत बढ़िया आउ यह रेसीपी टेस्ट को बहुत एनहांस कर थाए। देखु मु गोटे गैस ऑन करी गोटे पैन रे किसी सोरस तेल आड कली तापर कटा हो रखी आलू को पकई भल भाव भाजी नेबी। ये कदळी भंडा रेसीपी प्रायत तो माने सहर रे भंडा मिल न था इजिली, तो गाँव में जो मैंने रोते भंडा मिलवा बहुत सहज। आपण जदि गाँव में रोचान निश्चय रेसीपी को ट्राए करिवे, यह बहुत हेल्दी होता है इन फुल अफ कैल्शियम। देखु मु आलू को बाहर कर सेम जगार मुझे किसी सोरस तेल आड कली तापर मुझे किसी जीरा को आड कर गोटे सुखिला लंका आड कर किसी तेजपत्र डालचीनी एक सब कु पकई कि आम भल भाव फ्राए कर नवा। फ्राए ही आसला परे आम काटिक रखी पिज को पकई कि भाजी नवा। पिज को भाजपा आम टे समय ढांकुणी दे ढांकी सीझे छाड़ दबा गोटे दुई मिनिट भाजला परे देखते आम पिज लाइट ब्राउन हो तो ये आम कटा हो रही टमाटो पकई भल भाव फ्राए कर नवा। तापर ढांकुणी आम सीझे छाड़ दबा ढांकुणी खोलिक देखा आम टमाटो सीझी आसला टिके गोळे नबा। तो एबे आमे सबु जको मसाला पेस्ट को आड कर नौ चंदी। ये होची पियाजर बटा जोटा के आमे सिळरे बाटी चंदी ताको आमे भलो भाबरे गोळे नौ चंदी। ये हमर रसुणर पेस्ट जोटा की सिळरे बटा हिची एटा जीरार पेस्ट धनिया पेस्ट लंकार पेस्ट आउ अदार पेस्ट ए सब को आम भल भाव टमाटो आ पिज सहित गोल नवा कि हलदी गुंड मुआड कर शिल बटा आपण यूज करेंगे जदि आप शिल आवेलेबल अच्छी तेल निश्चय रेसीपी को शिल बटा मसला ट्राए करेंगे तार टेस्ट बहुत बढ़िया आसीबो। देखंतु मु मसलार पानी को आड कर नहीं किछ समय हमें मसला को सिझिया पई छाड़ दबा ढांकुणी देकी इबे ढांकुणी खोले कि देखिनबा हमर मसला को। तो एबे मसला हमर हेई आसिलानी तो एबे हमें भजा होई रखितबा आलू को पकाई नबा भल भाव मसला सब गोल नवा।
ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚଣା ଡାଲି ତାକୁ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ବୁଟ ଡାଲି, ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ 45 ମିନିଟ୍ ଆମେ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲେ, ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ସବୁ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଭଣ୍ଡାକୁ, ଯାହାକି ଆମେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ, ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇକି ତାପରେ ଆମେ ତା'ର ଚିପୁଡ଼ିକି କଷା ପାଣି ବାହାର କରିକି ନେଇଥିଲେ, ସେମ୍ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ମସଲା ସହ ଭଣ୍ଡାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛନ୍ତି। କିଛି ପାଣି ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିବା, 1-2 କପ୍ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେ ଆପଣ, କାହିଁକି ନା ଆମର ମସଲା ସହ ଭଣ୍ଡାଟା ଟିକେ ସିଝିବ। ତେବେ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇକି ଭଣ୍ଡାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 5-6 ମିନିଟ୍ ଆମେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣ ଗୋଳେଇ ନେଉଥିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭଣ୍ଡା ଆମର ଏବେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଖାଇବାକୁ ଅତି ସୁସ୍ୱାଦିଆ ଲାଗେ। ଆପଣ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।